ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जतारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी शासन काल में बिजली बिलों में बड़ी दरें एवं अघोषित बिजली कटौती एवं गड़बड़ी करने तानाशाही शासन के संबंध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। साथ ही विद्युत समस्या को लेकर बिजली कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर SDM एवं बिजली विभाग के अधिकारी नितिन बाथम को ज्ञापन दिया। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एवरेज बिल और बिजली कटौती के विरोध में वाटर वर्कर्स स्थित बिजली कार्यालय पर पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर महाप्रबंधक के नाम बिजली अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। घरेलू और गैर घरेलू पावर कनेक्शन धारकों से मीटर में प्रदर्शित रीडिंग के मुताबिक बिल दे जारी न कर मनमानी राशि वसूल कर त्रस्त किया जा रहा है। उपभोक्ता से अनावश्यक सरचार्ज विलंब शुल्क का भार झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुड़की में ट्रैक्टर मोटरसाइकिल थ्रेसर डीजल पंप उठाए जा रहे हैं, इससे किसान बेइज्जती महसूस कर रहे हैं और कई किसान इस बेइज्जती महसूस होने के कारण आत्महत्या करने के लिए भी बात की। इसी तारतम्य में हम सभी कांग्रेस पार्टी ने आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन द्वारा जो बिजली बिल के अधिक से अधिक बिल दिए जा रहे हैं और बिजली बिल में जो अनियमितताएँ विभाग में जो अनियमितताएँ की जा रही हैं उनके विरोध में आज ज्ञापन यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विद्युत विभाग के सामने किया गया है और एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार महोदय साहब को सौंपा जाएगा। आज इस शासन में इस भ्रष्ट शासन में हमारे इतने अधिक बिजली बिल आ रहे हैं और उनको ना चुका पाने के कारण हमारे किसान और गरीब लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। जैसे कि माथगुआ में छतरपुर जिले के माथगुआ में एक चक्की संचालक ने बिल ना भरने के कारण कुर्की हो गई है, उस कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई जगह प्रताड़ित हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये ठाना है कि गरीबों के साथ में बिजली बिल उचित दर से दिए जाए, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया। टीकमगढ़ जतारा से UD News के लिए लाली झा की रिपोर्ट।